हेलो फ्रेंड्स, विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। मुझे पता है आप लोग अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए हैं, और इसी के लिए हम लोग, क्योंकि अपना थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं, हम लोग वेस्टर्न आर्ट्स की टाइमलाइन से शुरुआत कर चुके हैं और हमारे एक दो टॉपिक कंप्लीट भी हो गए हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे जो फीडबैक मिला उससे ये मुझे पता चला है कि ग्राफिक डिज़ाइंस के लिए भी लोगों को बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है, और इसलिए उसका स्टडी मटेरियल हम साइड बाय साइड, क्योंकि हम, मैंने कहा था या तो वेस्टर्न आर्ट स्टार्ट करें या इंडियन आर्ट स्टार्ट करें, उसको मिलाएं ना, एक टाइमलाइन से हम पढ़ाई करें। लेकिन वेस्टर्न आर्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग इस तरह के टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइंस, ग्राफिक्स से रिलेटेड है, उसी में जब एडवर्टाइजमेंट एंड फोटोग्राफीज़, ये सब चीज़ें भी हम अलग अलग पैरेलल पढ़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये टॉपिक मैं समझूंगी कि उसका मटेरियल इतना वास्ट नहीं होता है, अगर हमें वो बात समझ आ जाती है तो हम बहुत अच्छे से उसके टॉपिक और उसके क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अपना वेस्टर्न आर्ट और इंडियन आर्ट का एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, दैट्स गुड, क्योंकि उसका भी अपना वेटेज होता है बहुत। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इस तरह के छोटे टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइन मैं नहीं कहूँगी कि बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ा है वो भी, और उसको समझने के लिए भी बहुत स्किल्स की ज़रूरत होती है, एंड लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी आती है इसमें, ये समझती हूँ। तो इसलिए आज के इस वीडियो से मैं कोशिश करूँगी कि ये प्रॉब्लम कुछ हद तक आपकी कम हो सके और आप लोगों को ये यूज़फुल रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, लेकिन पहले कह दूँ कि ये पार्ट वन है। जो मेन पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जब भी मैं कर पाऊँगी, मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन अभी जो है ये मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि ग्राफिक्स पढ़ने से पहले कितने लोगों को तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर ग्राफिक्स होता क्या है। मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हम लोग मोस्टली फाइन आर्ट में, अगर हम अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट नहीं रहते हैं तो हम लोगों नहीं पढ़ पाते हैं हम ज़्यादा, और अगर हम पेंटिंग, ड्राइंग पेंटिंग के होते हैं तो भी हम लोगों ने ग्राफिक नहीं पढ़ा होता है, तो उसकी थ्योरी वगैरह हम आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि क्या ग्राफिक और प्रिंटिंग एक होता है, कि एडवर्टाइजमेंट में ग्राफिक्स आता है कि नहीं आता, फोटोग्राफी इससे कितना अलग है, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं मन में। तो ये जनरल है, तो इसलिए हम ग्राफिक को बेसिक्स, मतलब बेस से समझ सकें, इसलिए मैं आज का ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लाई हूँ, जिससे आपको शायद समझ आ जाए कि आखिर ग्राफिक्स होता क्या है और हमें आगे पढ़ना कैसे है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके ग्राफिक्स रिलेटेड भी वीडियोस इसमें आने वाले हैं, एंड सेकेंडली जो हमारा चल रहा है वेस्टर्न आर्ट की वीडियोस, वो भी हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं। तो आप अगर अपना चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो वो आपको वीडियोस प्राप्त होंगे, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, एंड एक अगर ये वीडियो पसंद आए तो ये लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो है ये। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है कि ग्राफिक डिज़ाइन आखिर होता क्या है, जो हमको पढ़ना है वो ग्राफिक डिज़ाइन है क्या। तो देखिए, बहुत सिंपल सी है, यह एक दृश्य संचार एवं समस्या समाधान की प्रक्रिया है जो टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी, आइकोनोग्राफी और चित्रण के उपयोग से होता है। देखिए, हम समझते हैं, आप लोग का ये चीज़ बहुत क्लियर यूज़ हो गया कि जैसे जैसे समय बढ़ा आगे, तो हमें सिर्फ पेंटिंग या सिर्फ कैलीग्राफी या सिर्फ फोटोग्राफी, इससे काम नहीं चल रहा था। ऑब्वियसली आज नहीं चलता है, आज हर चीज़ ग्राफिक्स है। मैं आपके सामने ये वीडियो ला रही हूँ इस तरह का विजुअल फॉर्म में, तो वो भी इसी के हेल्प से, ये ग्राफिक्स ही है तो इसी के हेल्प से कर पा रही हूँ, तो इसलिए जो नीड हुई थी तो ये ग्राफिक डिज़ाइन हमारे सामने आया। और ये ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, टाइपोग्राफी आप देख सकते हैं जिस तरह के ये आइकन्स वगैरह जो रहते हैं, हम अलग अलग तरीके की टाइप्स यूज़ करके, सेकेंडली फोटोग्राफी, फ़ोटोज़ जो हम देते हैं वो, तीसरा आता है आइकोनोग्राफी, मतलब एक जो सिंबॉलिक फॉर्म में होता है वो, और चौथा आता है चित्रण, मतलब किसी भी चीज़ का इलस्ट्रेशन, हम कोई एक डिज़ाइन जो करते हैं वो। इन चारों के उपयोग से हम जो दृश्य संचार के लिए, हम अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए जिन जिन चीज़ को यूज़ करते हैं, वो चीज़ होती है ग्राफिक्स।
ग्राफिक डिज़ाइन, तो ये एक तरह से जो बोलेंगे कि हमें कि पोस्टर फॉर्मिंग और ये सब चीज़ें भी ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आती है, जिसमें हम इन चार चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा हम उसका इतिहास देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर ये होता क्या है, और देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आने की संभावना रहती है। तो हम देखते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन की उत्पत्ति तो हम मानव जीवन की उत्पत्ति से मान सकते हैं, चाहे वो लस्कॉक्स गुफा के छापे हों। देखिए, क्योंकि ग्राफिक्स के अंदर प्रिंटिंग आती है, हम देखते हैं वो, हम वो चीज़ आगे बताऊँगी मैं आपको। तो प्रिंट तभी से भी होती थी जब हाथ के छापे मिले, हम ये भी समझ सकते हैं पुराने लेस्कॉक्स के समय। फिर मिश्र से प्राप्त जो रोजेटा की शिलालेख, मिश्र अभी आपके सामने वीडियो आया नहीं है, लेकिन फिर भी रोजेटा मिला था उनको, जिसमें वो लिखी थी, प्रतिलिपियाँ लिखी थी, इजिप्ट की प्रतिलिपि लिखी थी। तो देखिए, वो भी एक सिम्बॉलिक्स, जो हम टाइपोग्राफी में बात कर रहे थे, वो चीज़ हमें पुराने समय में मिली है, और वो हमें पत्थर पे मिली है। जो लिथोग्राफी भी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें ये समझते हैं कि पुराने समय भी चली है, पुराने समय से भी चली है। रोम ग्रीक में मध्यकाल में भी जो हमें विभिन्न पंडुलिपियाँ मैनुस्क्रिप्ट्स मिले हैं, ये सब चीज़ें भी हमको एक वो दिखाती है कि ग्राफिक्स की हिस्ट्री पहले से ही हो गई थी। लेकिन हम समझेंगे कि 20वीं और 21वीं सदी में जो है विज्ञापन कला, ग्राफिक डिज़ाइन, ललित कला में अंतर स्पष्ट हुआ कि विज्ञापन क्या है, कला क्या है, ललित कला क्या है और ग्राफिक डिज़ाइन क्या है। वो मतलब आप समझेंगे कि आर्ट जो एडवर्टाइजमेंट है, जो आर्ट है, ग्राफिक्स है और फाइन आर्ट है, उसमें अंतर स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं, अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ ग्राफिक डिज़ाइन शुरू हुआ था। उन्होंने अपने अखबार द पेंसिल्वेनिया गजट में प्रयोग किया था। देखिए, पेंसिल्वेनिया गजट में उन्हें प्रिंटिंग का मतलब प्रिंट करके विभिन्न आइकन्स से, हो सकता है फ़ोटोज़ लगा के, उन्हें अपने पेपर को बनाया था। तो उसमें जो है उन्हें ग्राफिक्स का पहली बार यूज़ किया था। कलाकार मुद्रण दृश्य कला पेज लेआउट टेक्निक से का उपयोग करते हैं। कलाकार जो ग्राफिक्स में मुद्रण, दैट मीन्स प्रिंटिंग, टाइपोग्राफी उसमें, और दृश्य कला जो हम ड्राइंग इलस्ट्रेशंस देते हैं, और दूसरी बात पेज लेआउट जो कि कंप्यूटर के पेज लेआउट टेक्निक्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। ये मैं आगे आपको डिटेल बताने वाली हूँ, इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मुद्रण का इतिहास, जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग आगे हम पढ़ेंगे, तो उसका भी इतिहास, वो कैसे कहाँ से कहाँ तक आई वो देखते हैं। देखिए, 618 से 907 तंग साम्राज्य का इजिप्ट में था। उस समय लकड़ी के ब्लॉक काटे गए जो पहले कपड़े पर और फिर बुद्ध ग्रंथों पर मुद्रित हुए। ये मतलब मुद्रण का जो आज हम प्रिंटिंग करते हैं, ये पहले इस समय जो है तंग वंश में, जो हम बोलेंगे चाइनीज आर्ट में शुरू हुआ था। 868 में छापा एक बौद्ध ग्रंथ सबसे पुरानी ज्ञात पुस्तक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको हो सकता है क्वेश्चंस में यूज़ आ जाए, इसलिए मैंने आपको मेंशन किया है यहाँ पे। फिर क्या हुआ, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चल प्रकार की छपाई मतलब कि जो मूवेबल टाइप की जो प्रिंटिंग है उसका उपयोग करके पुस्तक का निर्माण किया। देख सकते हैं आप यहाँ साइड में, देखिए क्लियर फोटो तो नहीं आ पाया बट मैंने कोशिश किया है। आगे, अंग्रेजी चित्रकार विलियम हॉगर्थ ने उत्कीर्णन में अपने कौशल का इस्तेमाल किया, जो व्यापार के लिए डिज़ाइन करने वाला पहला लोगों में से एक था। मतलब जो विलियम हॉगर्थ थे, उनने जो अब आजकल बिजनेस के लिए हम देखते हैं कैसे डिज़ाइन लोगोस तैयार करते हैं, तो उनने अपनी जो एनग्रेविंग की स्किल थी, उत्कीर्णन करने की जो स्किल थी, उससे का यूज़ करके उन्हें पहली बार बिजनेस ट्रेड में लेके आए। आगे, मैंच जर्मनी में मतलब 1448 में जोहान गुटरबर्ग ने मिश्र धातु का उपयोग करके चल प्रकार की छपाई को पेश किया। तो देखिए, गुटेनबर्ग ने सबसे पहला मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे, तो ये उसकी फ़ोटो भी आप पास में देख सकते हैं, 1448 में हुआ था ये। आगे, एल्डस मानुटियस ने पुस्तक संरचना को विकसित किया, मतलब फिर जो बुक्स बनने लगी उसको उनने विकसित किया। फिर विलियम कैक्सटर्ड ने धार्मिक पुस्तकें चालू करी। फिर क्या था, 1638 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रिंटिंग प्रेस का मतलब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्तर पे भी प्रिंटिंग प्रेस यूज़ होने लगी, वो 1638 में हुई। फिर 1704 में पहला समाचार पत्र सामने आया, जो कि बॉस्टन समाचार पत्र
कहलाया और जिसका श्रेय जॉन कैंपबेल को जाता है। ठीक है, फिर देखिए 19वीं सदी की बात आ गई। ये थोड़ा सा इतिहास हम पढ़ेंगे, एक अगर लाइन से पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चंस क्रैक करना इजी हो जाएगा। फिर जो विलियम मॉरिस हैं, हम सब जानते हैं, उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट का स्टार्ट किया था। तो उनका मतलब उनके चीज़ों में डिज़ाइन करने के लिए उनने भी ग्राफिक डिज़ाइन का उपयोग किया था। आगे 20वीं सदी आ गई, तो 1917 में फ्रेडरिक एच मेयर जो थे कैलिफोर्निया स्कूल के, ये कैलिफोर्निया स्कूल के डायरेक्टर थे आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो उनने भी मतलब एक तरह से क्लास में वो पहले लेके आए थे कि ग्राफिक डिज़ाइन एंड लेटरिंग की जो क्लास है उनने वो पहली बार लगाई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ग्राफिक डिज़ाइन अधिक आवश्यकता थी, विशेषतः विज्ञापन और पैकेजिंग में। विज्ञापन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ग्राफिक डिज़ाइन की नीड ज़रूरत बढ़ती गई, कैसे विज्ञापन करने में और पैकेज उसमें। 1937 में बोहोस स्कूल जो कि डिज़ाइन स्कूल है हम जानते हैं, का प्रचार अमेरिका में बड़े पैमाने में हुआ। एड्रिगम फ्रूटिगर, पॉल रेंड ने बोहोस को लेकर सिद्धांत लेकर डिज़ाइन में काम किया, तो इन्हें भी इसमें ग्राफिक्स का यूज़ किया था। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ग्राफिक डिज़ाइन आज हम जिस नाम से बोलते हैं उसका यूज़, उसको मेन टर्म किसने किया था, वो विलियम एडिसन ड्विगन्स ने 1922 में ये ग्राफिक डिज़ाइन का नाम दिया था। देखें इसमें टूल्स क्या क्या यूज़ होते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे हम। प्रस्तुति की विधि जैसे व्यवस्था, शैली, माध्यम डिज़ाइन के लिए महत्वपूर्ण है ना। कंप्यूटर ग्राफिक्स के उपकरण अक्सर पारंपरिक नाम जैसे कैंची या पेन पर लेते हैं, मतलब टूल्स जो हम देखते हैं, इसका क्या डिजिटल पैड आप देखिए, डिजिटल पेन आता है उससे इलस्ट्रेशन आजकल यूज़ होता है। ग्रिड जैसे कुछ ग्राफिक डिज़ाइन उपकरण पारंपरिक और डिजिटल दोनों रूप से उपयोग किए जाते हैं, और भी जो ग्रिड एक सॉफ्टवेयर उसमें बोलेंगे हम, वो चीज़ें भी इसमें यूज़ करते हैं। हाथ के चित्र को डिजिटल रूप से पकड़ने के लिए टैबलेट कंप्यूटर के साथ स्टाइल्स का उपयोग किया जाता है। देखिए वो अगर हम डायरेक्ट हैंड से एक डिजिटल फॉर्म में अगर पेंटिंग करना चाहते हैं तो हम इस तरह से टैबलेट एंड पेन का यूज़ करके उसको फॉर्म देते हैं। अब देखिए क्या क्या ज़रूरतें होती है ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए, तो यही टाइपोग्राफी, पेज लेआउट, प्रिंटिंग और स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी हम सब जानते हैं कि किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ डेवलप करनी है, कहाँ फॉर्म करनी है, वो स्ट्रेटजी, वो रणनीति होती है। आगे हम देखते हैं टाइपोग्राफी क्या है, तो वो है मुद्रण कला में टाइप डिज़ाइन, संशोधित टाइप ग्लिफ और अरेंजिंग टाइप शामिल है। ठीक है, ग्लाइफ्स क्या होते हैं, देखिए इस तरह का ये जो सिंबॉलिक फॉर्म्स में रहते हैं, इस तरह के जो हम देखते हैं सिंबल्स और क्लिप आर्ट्स हमको जो कंप्यूटर में मिलते हैं, उस तरह को अरेंज करना ये टाइपोग्राफी कहलाता है। टाइप अरेंजमेंट में टाइप फेस, पॉइंट साइज, ट्रैकिंग प्रयुक्त सभी वर्णों के बीच का स्थान, मतलब ट्रैकिंग मीन्स जो उनके बीच का स्थान है, हम टाइप कैसे कर रहे हैं, हम टाइप के फ़ॉन्ट्स क्या यूज़ कर रहे हैं, दो कोई से भी दो अगर विशिष्ट वर्ण हैं उसके बीच का स्पेस कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ये सब टाइपोग्राफी में आती है। ये सब अरेंजमेंट जो है वो सब टाइपोग्राफी में आती है, कौन सी साइज़ बड़ी लेनी है, कौन सी छोटी, ये सब चीज़ें। ठीक है, पेज लेआउट, पेज लेआउट पृष्ठ पर तत्वों, सामग्रियों की व्यवस्था से संबंधित है, जैसे छवि, प्लेसमेंट, पार्ट लेआउट और शैली। मतलब जो सारे एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से अरेंज होंगे पेज में, वो लैंडस्केप होगा कि वो पोर्ट्रेट व्यू में होगा, वो कौन सी इमेज किस तरफ आएगी, ये सब चीज़ें पेज लेआउट डिसाइड करती है। ठीक है, देख सकते हैं आप कैसे इस तरह का ये पेज लेआउट इधर बना भी हुआ है, उसको हम पेज लेआउट कहते हैं। तत्वों में आमतौर पर टाइप, अक्षर, चित्र और प्रिंट मीडिया के साथ कभी कभी स्थान धारक ग्राफिक्स होते हैं। यही तत्व होते हैं, मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ों को कहाँ प्लेस करना है वो पेज लेआउट्स डिसाइड करता है। प्रिंटिंग एक छोटा सा मैं बता रही हूँ आपको, आगे हम इसका विस्तार पढ़ेंगे। Printing is the process of making artworks by printing on paper and other materials or surface. The process is capable of producing multiples of the same work. मतलब
वो प्रोसेस है जिसको हम पेपर में प्रिंट करते हैं, बहुत सारी तकनीकों से प्रिंट करते हैं, ये हम आगे बिल्कुल पूरा पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देती। देखिए बहुत से कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर भी ग्राफिक्स के यूज़ में आते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन को छवि बनाने में टाइपोग्राफी और लेआउट के लिए सॉफ्टवेयर्स की यूज़ होती है। हम बोलेंगे कि ऑब्वियसली कंप्यूटर में जो अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक ग्राफिक डिज़ाइन पॉसिबल नहीं है। तो एडोब फोटोशॉप, देखिए ये किसके लिए होता है, ये फ़ोटो को एडिट करने के लिए होता है। एडोब इलस्ट्रेटर ये किसके लिए होता है, ये ड्राइंग्स के फॉर्म के लिए यूज़ होता है। और कोरल ड्रॉ हम अगर जब अपने चीज़ में वेक्टर का यूज़ करेंगे, हम अपना काम करने में जब वेक्टर का यूज़ करेंगे तब हमको कोरल ड्रॉ की ज़रूरत होती है। ठीक है, पावरफुल ओपन सोर्स प्रोग्राम्स भी हैं कुछ, जो कि बहुत प्रोफेशनल्स लोग भी और कैजुअल यूजर्स भी यूज़ करते हैं। कैसे, इंकस्केप जो है नीचे आप देख सकते हैं, वो वेक्टर ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है। GIMP ये भी फ़ोटो एडिटिंग एंड इमेज मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। क्रीता जो है इससे हम पेंटिंग कर सकते हैं। एंड स्क्रिबल्स जो है वो भी पेज लेआउट जमाने के लिए यूज़ आता है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस सॉफ्टवेयर को रिलेटेड भी कभी कभी आ जाते हैं, तो हमको बस थोड़ा इसका नॉलेज होना चाहिए। अब मैं अपना एक इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन अब वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेके आएंगे, जिसमें हम डिटेल्ड जो प्रिंटिंग का जितनी टेक्निक होती है, रिलीफ, इंटेग्रियो, प्लेनोग्राफी, वो सब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलिएगा, एंड विल बी कम सून। थैंक यू सो मच।